अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इस विषय को लेकर अभी आप एसपी ऑफिस पहुंचे हैं? हम अभी हमारे जो भैया हैं दलित समाज के, जो वाल्मीकि समाज के जो अध्यक्ष हैं दीनदयाल आरू के लिए, हम यहाँ पे जो है एसपी साहब के पास आए हुए थे। अब पुलिस प्रशासन ने एसी मतलब भवानी सागर में कार्रवाई की है, जहाँ पे अवैध सट्टा पकड़ाया है और उसमें भीम भैया का जो है नाम बीच में आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, भवानी सागर क्षेत्र में कम से कम 16-17 जगह ऐसा सट्टा है जो घर में बैठा के सट्टा चल रहा है। इसमें कोई उनका वहाँ पे किसी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं है, उनका किसी प्रकार का नाम नहीं है और उस समय वहाँ पर जो भीम दारू है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और मैं प्रशासन से यही विनती करता हूँ कि जो कानूनी कार्रवाई यदि करना हो तो सिविल और कानूनी कार्रवाई करें, और ऐसा कोई वो नहीं है कि भीम भैया वहाँ पर उस समय मौजूद थे। और आप इस पर आप इस पहुँचे अभी विगत दिनों भवानी सागर में जो जुए सट्टे के स्थानों पर पुलिस नहा दरवाजा पुलिस द्वारा जो दबिश दी गई थी, वहाँ से लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उसमें भीम घारू का जो मुख्य रूप से संचालन करता का रूप में नाम आ रहा है, ऐसे कोई बात नहीं है। भीम घारू जो है उस वक्त ना तो घटनास्थल पर मौजूद थे और ना ही उसी उस घटना से उनका कोई लेना देना है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करिए? इस संबंध में आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास मिलने पहुंचे थे, उनसे चर्चा भी हुई है। साहब ने कहा है कि निष्पक्ष जांच करके हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना कई महीनों से चल रहा था लेकिन उसमें भीम घारू का कोई हस्तक्षेप नहीं। भीम घारू एक समाज सेवी है, बहुजन समाज की बात करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको टारगेट बनाया जा रहा है। आपका नाम? एडवोकेट हीरो सोलंकी, जिलाध्यक्ष बीमार में देवा।